सो हेलो यूनिवर्स एवरीबडी, सो वो ऐसे वॉच माई यूट्यूब चैनल असिफ इट ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग में होने वाला बैक का वर्कआउट। आज हम बैक को ट्रेन करेंगे और फालतू की बातें ना करते हुए अब सिर्फ फोकस करना है ट्रेनिंग में। और बहुत दिनों बाद जिम भी ज्वाइन हुआ है और मतलब रेगुलर रहना है अभी। वो 2-3 महीना गड़बड़ा गए थे इधर उधर, तो उस वो बताऊंगा मैं बाद में अगली वीडियो में, मतलब उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। और खैर वो तो अलग बात है पर्सनल, तो उसको इग्नोर करते हैं। और आज का जो सेशन होने वाला है मेरा डेडलिफ्ट, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितना मेरा डेडलिफ्ट है, पीआर कितना है, और बहुत दिन से मेरा छूटा हुआ है तो उसको भी लेके चलना है। और डेडलिफ्ट का जो वेट है उसको भी इंक्रीज करना है, तो अब धीरे धीरे होगा। और सो लेट्स सी, चलो देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो वर्कआउट और व्लॉग और डेडलिफ्ट को देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़े बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और मेरी गलती को कमेंट सेक्शन जरूर बताना। कीप सपोर्टिंग। तो पहले वार्म अप करना है, उसके बाद पहले पुल अप, सॉरी पहले वार्म अप फिर पुल अप, उसके बाद फिर आगे का जो बैक का जो वर्कआउट होगा वो करेंगे। उससे पहले डेडलिफ्ट करेंगे, तो डेडलिफ्ट का भी ब्लॉग एक अलग से आएगा और वर्कआउट का हम लोग एक अलग से आएगा। ठीक है ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। सो स्टार्ट करते हैं पहले वार्म अप से। तो फ्रेंड्स अभी मेरा वार्म अप कम्प्लीट हो गया है और अब थोड़ा करेंगे स्ट्रेचिंग, उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चेक करते हैं अपना बॉडी वेट करंट जो है। सिक्सटी फाइव के आसपास मेरा बॉडी वेट। We'll be right back.
तो क्या जैसा कि आप सबने देखा 120 में मेरा थोड़ा सा स्ट्रगल रह गया, क्योंकि पहले जो वर्कआउट होता मतलब पहले डेडलिफ्ट में मारता था तो उसमें उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं रहता था, क्योंकि उस टाइम में रेगुलर रहता था। अभी 2-3 महीना छूटा हुआ है, इसीलिए अभी थोड़ा सा मतलब पोस्चर भी थोड़ा सही नहीं है और थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है, तो सही करेंगे इसको धीरे धीरे, बस कीप सपोर्टिंग। बाद में शूट नहीं कर पाए क्योंकि म्यूजिक बज रहा है। खैर कोई बात नहीं, अभी वर्कआउट बाकी है। अभी तो क्या है ना कि अभी जो डेडलिफ्ट हुआ हमारा, मतलब मेरा डेडलिफ्ट जो हुआ वो 140 था, मतलब कोई चेंजेस नहीं है। छूटने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं है, लिफ्ट में सब सही है। और 120 मतलब थोड़ा सा हार्ड लगा क्योंकि बहुत दिन से छूटा हुआ था, डाइट प्रॉपर नहीं है और हाथ भी कांप रहा है। तो अब क्या है ना कि अब से तो रेगुलर रहना है। खैर वो तो रहेंगे, और हो सके तो वीडियो भी रेगुलर आएगी। और क्या बोलते हैं, ये जो डेडलिफ्ट का जो था अभी 120, मैंने स्टार्ट किया था 80 से, 80 फिर 120 और 140 आई थिंक, हाँ 140, जो कि ठीक ही गया पहले के मुताबिक। मतलब पहले था कि 140 इजी सेल्फ जाता था, और मतलब इजी मैंने बोलेंगे थोड़ा सा स्ट्रगल था और स्ट्रगल रहता था और ज़्यादा था सेल। बट अभी थोड़ा सा सौरभ भैया का सपोर्ट मिला, खैर सौरभ भैया को दिल से थैंक यू। और क्या, बस डेडलिफ्ट का। और हाँ, डेडलिफ्ट जो हुआ ये वीडियो को लंबा ना करते हुए, डेडलिफ्ट का वीडियो एक अलग से आएगा, इसका डेडलिफ्ट का ब्लॉग अलग से आएगा, वर्कआउट का ब्लॉग अलग से आएगा। तो यहाँ पे डेडलिफ्ट हमारा, डेडलिफ्ट का सेशन हमारे यहाँ ख़त्म होता है। मेरा डेडलिफ्ट का मेरा यहाँ पे डेडलिफ्ट का सेशन ख़त्म होता है और अब वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी वर्कआउट क्या होता है, कैसा होता है वो देखते हैं। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में पड़े बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सो लेट्स गो।